नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आकृति वाला क्वेश्चन लेके आ चुके हैं पार्ट नंबर वन। तो दोस्तों इसमें आप दो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन नंबर दो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपका दे दिया जाता है और समझ में नहीं आता क्या करना है। तो अगर हम देखें इसमें हमको करना क्या है, इसमें दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये संबंधे वाला जो चिन्ह है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका एरो जो है नीचे है, ठीक है, इससे ये हो गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि जिस प्रकार से संबंधे का मतलब यही होता है, जिस प्रकार से इसका संबंध इससे है उसी प्रकार से इससे किसका संबंध होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो एरो का मुंह नीचे था, ठीक है, इससे क्या हुआ है, एरो का मुंह जो है ऊपर हो गया और फिगर सेम है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों इसका संबंध किससे होगा, तो देखिए अगर हम एरो की बात करें तो एरो का मुंह दोस्तों आपके बाएं था, तो अब इसका अपोजिट यानी कि एरो का मुंह जो है दाएं जिसमें रहेगा और ऊपर एरो रहना चाहिए। देखिए इसमें नीचे था तो इसमें ऊपर हो गया, इसमें देखिए ऊपर है तो ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऊपर कौन से में है, ऊपर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में और इसका दाएं हो गया है मुंह, ठीक है। यहाँ पर देखिए एरो का मुंह जो है वो कहाँ है, दाएं है, यहाँ पर बाएं था अब दाएं हो गया, यानी यहाँ पर अपोजिट वाला खेल से या अपोजिट वाले संबंध से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार का संबंध यहाँ पर आपका क्या दिया है, आपका ऐसे जो है आपका भाग में बांटा है, उसमें जीरो और त्रिभुज बनाया है, मतलब यहाँ पर वृत्त कह सकते हैं और त्रिभुज कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसका संबंध दोस्तों त्रिभुज और वृत्त से है, तो अब जो है त्रिभुज और यहाँ पर जो है वृत्त दिया है, इसका किस प्रकार से संबंध और कौन सा दर्शाएगा सही संबंध, ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहले इस प्रकार का फिगर था, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या था, वृत्त था और यहाँ पर त्रिभुज था। तो जब नेक्स्ट हुआ है वहां पर आपका यहाँ पर त्रिभुज हो गया और यहाँ पर क्या हो गया है, आपका वृत्त हो गया है। तो अगर हम नेक्स्ट वाले यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपका त्रिभुज है और यहाँ पर वृत्त है, तो अब जो आपका आंसर होगा वो जब भी होगा यहाँ पर आपका वृत्त हो जाएगा और यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा। तो दोस्तों त्रिभुज अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आपका उल्टा वाला यानी त्रिभुज यहाँ पर कौन सा है, नीचे त्रिभुज देखेंगे ना तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आकृति वाले ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को जिससे लाइक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।